पर गाइस ये तो बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि हम सबको एवेंजर्स एंड गेम का टीवी स्पॉट और ट्रेलर दोनों ही पसंद आए हैं, लेकिन आज हम जो है एवेंजर्स एंड गेम के इस टीवी स्पॉट के बारे में डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे और सीन टू सीन कुछ ऐसे फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आप सब लोग जो है इस टीवी स्पॉट को देखने के बावजूद जो है मिस कर गए होंगे। सबसे पहले उस सीन की बात कर लेते हैं जहाँ पे हमें एक सीन में काफ़ी सारे सीन्स के कट सीन्स दिखाई जाते हैं जो कि एमसीयू के बाकी मूवी से भी रिलेट करते हैं, और यहाँ पे जो है इन सारे सीन्स की ट्यूनिंग होती है मार्वल स्टूडियो के एक नए लोगों के साथ जो कि राख में बदल जाता है। कैरेक्टर जो कि डस्ट में बदल चुके हैं जिनके हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में तेजी से सीन्स जो है ड्रिफ्ट करते हुए दिखाई दिए थे, तो यहाँ पे इन सारे सीन्स को दिखाने का यही मतलब है कि जो ये लोग डस्ट में बदल चुके हैं, डस्ट में बदलने के बावजूद भी ये हमारे एवेंजर्स की टीम को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे कि हमें स्टार्टिंग में वॉस्प का सीन दिखाई देता है जो कि डस्ट में तो बदल चुकी है, लेकिन यहाँ पे हैंक पिम ही की टेक्नोलॉजी को यूज करके स्कॉट लैंग और एवेंजर्स की टीम जो है कहीं ना कहीं एवेंजर्स एंड गेम में एक बहुत ही बड़ी फाइट लेके जाएंगे थानोस के सामने। इसी के साथ साथ यहाँ पे स्पाइडरमैन की अगर बात करें तो उसकी मौत जो है कहीं ना कहीं वो इंस्पायर करेगी आयरन मैन को उसका बदला लेने के लिए थानोस से। साथ साथ हमें निक फ्यूरी का भी एक सीन दिखाई दिया जिसका मतलब ये है कि निक फ्यूरी ने जाते जाते भी अपना काम कर दिया, यानी कि कैप्टन मार्वल को बुला लिया एवेंजर्स की मदद करने के लिए। जैसे ही ये सीन आगे बढ़ता है वहां पे हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क सिटी का सीन और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सीन जिसके इर्द गिर्द जो है काफ़ी सारी बोट्स जो है वो जमा हुई पड़ी है, और यहाँ पे इसका एक मतलब है और ये हमें रिजेम्बलेंस दिखा रहा है एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ जहाँ पे हमने एक हेलीकॉप्टर को सीधा जो है एक बिल्डिंग में क्रैश होते हुए दिखा था, कार्स को जो है रैंडमली क्रैश होते हुए दिखा था क्योंकि जो उनमें बंदे बैठे हुए थे वो इवेंचुअली थानोस की फिंगर स्नैप का शिकार हुए थे, तो इसीलिए ये बोट्स जो है एक साथ यहाँ पे स्टैचू के अराउंड जो है एक्यूमुलेट हुई है, यानी कि ड्रिफ्ट होके यहाँ पे सी से सीधा पहुँची है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कोस्ट तक। और यहाँ पे हमें एक फुटबॉल स्टेडियम या फिर एक स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, और इसके बाहर जो है काफ़ी सारी गाड़ियाँ तो खड़ी है लेकिन स्टेडियम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, और इसका मतलब भी यही है कि जो लोग जो है यहाँ पे ये मैच देखने के लिए स्टेडियम में आए थे वो भी यहाँ पे थानोस की फिंगर स्नैप का कार बन चुके हैं, और जो लोग बच गए थे वो यहाँ पे खौफ में और इसके अलावा यहाँ पे डेस्परेशन में वहाँ से भाग गए हैं। आता है एक ऐसा सीन जहाँ पे कैप्टन अमेरिका हमें एक सीक्रेट रूम में कुछ ऑफिशियल्स के साथ या फिर कुछ लोगों के साथ एड्रेस करते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पे वो कहते हैं कि जो है लोग मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के बाद, लेकिन हम मूव ऑन नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये सीन जो है एग्जैक्टली एक रिजेम्बलेंस दिखाता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के उस सीन के साथ जहाँ पे फाल्कन जो है कुछ लोगों को बता रहे होते हैं कुछ ऐसे सोल्जर्स के बारे में जो कि रिसेंटली किसी न किसी मिशन पे जो है वो शहीद हुए, और एग्जैक्टली सेम चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं कैप्टन अमेरिका कुछ लोगों को। अब या तो ये यूएस के कुछ ऑफिशियल्स हो सकते हैं जो कि कैप्टन अमेरिका से एक रिपोर्ट मांग रहे हैं कि किस तरीके से कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो खत्म कर दी है थानोस, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यही सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं इन्हीं ऑफिशियल्स को कैप्टन अमेरिका। और नेक्स्ट वो सीन जिसका इंतजार काफी सारे फैंस को एवेंजर्स एंड गेम टीजर ट्रेलर के आने के बाद से था, और वो था टोनी स्टार्क और नेबुला का सीन जहां पे वो बेरेटा शिप को फिर से रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर किसी ऐसी चीज को रिपेयर कर रहे होते हैं जिससे कि वो टाइटन प्लैनेट से ऑब्वियसली यहां पे बाहर निकल सके। और यहां पे टोनी स्टार्क और नेबुला दोनों हमें एक तरीके से इमोशनल और डेस्परेशन में नजर आते हैं क्योंकि यहां पे टाइटन प्लैनेट से मुझे लगता है कि इस सीन के बाद वो बाहर तो निकल जाते हैं लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से शिप का जो है वो स्पेस में ही अटक जाते हैं, जिसके बाद जो है टोनी स्टार्क की डेस्परेशन और उनकी नाउमीदी और उनकी जो इमोशनल ट्रॉमा है उनका स्पाइडरमैन की डेथ की वजह से वो और भी बढ़ जाता है। कुछ भी हो ये सीन तो हमें एक ही सीन की याद दिलाता है और वो है आयरन मैन 1 के उस सीन की जहाँ पे टोनी स्टार्क जो है अपना मार्क 1 सूट बनाता है एक केव में, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे टोनी स्टार्क किसी केव में नहीं फंसे हैं, वो टाइटन प्लैनेट पे और स्पेस में फंसे हुए थे और इसके अलावा यहाँ पे केव में उनके पास थोड़े बहुत तो रिसोर्सेज थे, थोड़ा बहुत तो क्रैप था, लेकिन यहाँ पे जो है रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल तो है लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद यूज करने के लायक ना हो और जो भी उनको रिसोर्सेज बचे हो उसकी वजह से वो खाली जो है स्पेस का आधा रास्ता ही तय कर पाए। उनको डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऐसा सीन भी इसी के बाद नजर आता है जहाँ पे कैप्टन अमेरिका, नताशा रोमन ऑफ वॉर मशीन और ब्रूस बैनर जो है वो एक साथ मिलकर रात में जो है एवेंजर्स फैसिलिटी के बाहर किसी को मिलने के लिए जा रहे हो और ये सारे लोग जो है हैरान है आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सबसे पहले या तो खाली कैप्टन मार्वल का रिटर्न या फिर कैप्टन मार्वल के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है टोनी स्टार्क का रिटर्न भी। अगर आप कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो के ऊपर गौर करो तो ब्लैक विडो का हेयर जो है वो स्टिल ब्लॉन्ड है और इसके अलावा कैप्टन अमेरिका की दाढ़ी नहीं है, तो इसका मतलब जो
टाइम जंप है वो काफी ज्यादा नहीं है, वो कुछ दिनों का या फिर कुछ महीनों का हो सकता है। और इतना तो कंफर्म है कि इस सीन में हमें कुछ एक्साइटिंग जरूर देखने को मिलेगा मूवी में। और इसके बाद हमें दिखता है वो वाला सीन जहाँ पे ब्लैक विडो के हेयर का कलर बिल्कुल ही ब्लैक होता है और वो रैंडमली शूट कर रही होती है काफी ज्यादा गुस्से में। और इससे पहले मैं अगर आपको याद दिलाऊं, एवेंजर्स एंडगेम के टीजर ट्रेलर में हमें दिखा था कि ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका के साथ किसी मिशन पे जा रही थी और मुझे नहीं लगता कि इनिशियली वो मिशन सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें इसी के बाद एक ऐसा सीन दिखाई देता है। एंटमैन और वॉर मशीन दोनों एक मिशन पे जाने के लिए अपने सूटअप की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें वॉर मशीन के सूट में जो है एक बहुत ही मेजर अपग्रेड नजर आती है जो कि रिजेंबल करता है वॉर मशीन के कंसेप्ट आर्ट वाले सूट से। एग्जैक्टली उसी के जैसे तो नजर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे एक बैटल के लिए, एक नए मिशन के लिए रेडी होती है। उसके बाद जो दो सीन हमें दिखाए जाते हैं रॉकेट और थॉर के, तो वो दोनों ही वकांडा में है थानोस की पोस्ट स्नैप इफेक्ट के बाद, जहाँ पे हमारे बाकी एवेंजर्स में ही वकांडा में ही रहने वाले हैं। और जो यहाँ पे रॉकेट का बैकग्राउंड है जहाँ पे वो डोर ओपन करते हैं वो भी यहाँ पे वकांडा से ही रिजेंबल करता है, और जो थॉर के पीछे बैकग्राउंड है उसका आर्किटेक्चर भी काफी ज्यादा वकांडा से ही सिमिलर होता है। यहाँ पे हमें नजर आता है हॉकआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन जो कि एवेंजर्स एंड गेम में भी एक की सीन हो सकता है, जहाँ पे हमारे सारे एवेंजर्स एक साथ मिलकर स्पेस में थानोस जैसे किसी बड़े थ्रेट के साथ ही फाइट कर रहे होंगे। और यहाँ पे हमें हॉकआई के बैकग्राउंड में कुछ यहाँ पे ट्रैश भी काफी सारा नजर आता है, तो हो सकता है कि ये स्पेस का सीन हो या कोई ऐसा सीन हो जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी तबाही मची हुई हो। और इसके अलावा एक गौर करने वाली बात यह है कि क्लिंट बार्टन की जो कॉस्ट्यूम है वो रोनिन जैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना ही उन्होंने रोनिन का मास्क पहना हुआ है और ना ही रोनिन का आउटफिट इस सीन में हमें प्रॉपर तरीके से हमें दिखाई देता है, बल्कि हॉकआई का जो एक क्लासिक लुक होता है वो ही हमें इस सीन में नजर आता है। वाला सीन जो है मुझे लगता है एक हिसाब से सबके लिए एक शॉकर होना चाहिए था। अब शॉकर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कैप्टन अमेरिका के हाथ ही कांपते हुए तो नजर आते हैं, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एमसीयू की 10 सालों की हिस्ट्री में और कैप्टन अमेरिका की किसी भी मूवी में और किसी भी उनके सीन में हमने आज तक कैप्टन अमेरिका के हाथों को डर से कांपते हुए नहीं देखा है। इमेजिन कीजिए जिस इंसान के हाथ जो है थानोस को रोकते वक्त वकांडा में नहीं कांपे थे, इस बार जो है अपनी शील्ड को इक्विप करते वक्त कोई ऐसा डर उनके मन में बैठा हुआ है जो कि उनको अंदर ही अंदर जो है खाए जा रहा है। यही वो फ्रेजाइल रियलिटी है जिसके बारे में रूसो ब्रदर्स केविन फाइगी बात कर रहे थे कि हमारे एवेंजर्स इस मूवी में कुछ ऐसा फेस करने वाले हैं जो कि पूरी तरीके से उन्हें टियर अपार्ट करके रख देगा। हाँ, जो सीन हमें दिखाई देता है एवेंजर्स फैसिलिटी के अंदर जहाँ पे हमें जो है रॉकेट द्रकून, यहाँ पे कैप्टन अमेरिका और बाकी सारे एवेंजर्स जिन्होंने यहाँ पे थानोस की फिंगर स्नैप को सर्वाइव किया है, टोनी स्टार्क और यहाँ पे नेबुला के बगैर यहाँ पे हमें वो सारे एवेंजर्स नजर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे वो दोनों भी इस सीन में शामिल होने वाले हैं, लेकिन फोटोशॉप की मदद से और जो कैमरा एंगल हमें दिखाया गया है उसकी मदद से यहाँ पे उन दोनों को और काफी सारे नए कैरेक्टर्स को यहाँ पे छुपाया गया है, यानी कि इस सीन में और भी ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो गाइस आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कमेंट करो क्योंकि कमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि तभी तो वीडियो चलेगी। और अगर आपने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि मैं मिलता हूँ अब आपसे किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।